बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में एक शादी समारोह में शामिल होने गई महिला से 7 लोगों ने दुष्कर्म किया। शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना की रिपोर्ट मिलते पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी है। जानकारी के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को कल देर रात अंजाम दिया गया। कुनकुरी थाना इलाके में एक गाँव में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें पीड़ित महिला अपने रिश्तेदार के साथ शामिल हुई। विवाह समारोह में गांव के लड़के राजू राम ने पीड़िता से पानी मांगा और पानी लेने के बाद महिला को जबरन पकड़कर मारुति वैन में ले गया, जहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे। तीनों लड़कों ने इस महिला का अपहरण करके सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। 4 अन्य लड़के और वहां पर आ गए, उन्होंने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता को जंगल में छोड़कर लड़के फरार हो गए। महिला शुक्रवार की रात को अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गई थी, जहां पर पानी को लेने के लिए कुछ लोग उसे बुलाए, गांव के ही लोग, और पानी देने के दरमियान उसे वैन में उठाकर पास के जंगल में ले गए और उसके साथ गलत काम किए हैं, जिसमें 7 व्यक्ति थे। और इन 7 के खिलाफ महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अभी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। और हमारे सहयोगी रमेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी रमेश, जानकारी दें। जी, ये शर्मनाक घटना के बाद में पूरे जशपुर जिले के लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं कि एक वैवाहिक समारोह में इस तरह से एक महिला को जबरन उठा के ले जाते हैं और उन बदमाशों का पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। दरअसल पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये लोग बाद में उस दुष्कर्म के मामले में पहुंचे थे, लेकिन जो मारुति वैन में पानी पीने के बहाने से इस महिला को वहां से अपहरण करके ले गया था, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है कि उसने इन लोगों की पकड़ के लिए जगह जगह दबिश देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिलने से लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। रमेश जी, इस वक्त लगातार चौकसी है, कोरोना की वजह से जगह जगह पॉइंट्स लगे बताए जाते हैं, इस इलाके में भी निश्चित तौर पर चौकसी के दावे होंगे, वो भी रात का समय, शाम का समय, इसके बावजूद वो लेकर कहां गए कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल सही है, ये अभी जशपुर जिले में भी रात का कर्फ्यू जारी है कोरोना को देखते हुए, और इस दौरान जगह जगह पुलिस की टीम चौराहों पे और चेकिंग कर रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये मारुति वैन में महिला का अपहरण करके ये बदमाश लोग उसको जंगल ले गए और वहां पर इन लोगों ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम भी दे डाला और वो फरार होने में भी सफल हो गए। ये पुलिस के लिए इस समय बड़ी चुनौती वाली वारदात है, क्योंकि इसके अगर आरोपी जल्दी नहीं पकड़े गए तो यहाँ पुलिस की नाकामी को बिल्कुल भी उसको सफाई देने की कहीं कोई उसमें गुंजाइश नहीं बचती है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी रमेश शर्मा को बता रहे थे कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो भी उस वक्त जब भारी चौकसी और नाइट कर्फ्यू की स्थिति